इस एनिमे ने रेटिंग के मामले में अटैक ऑन टाइटन और हंटर एक्स हंटर को पीछे छोड़ दिया है। अब जहां पर हंटर एक्स हंटर अटैक ऑन टाइटन इतनी ज्यादा पॉपुलर एनिमे सीरीज है और जो अटैक ऑन टाइटन है वो मेरी पसंदीदा एनिमे के अंदर सबसे टॉप पर रहती है, तो जानने के लिए क्यूरियोसिटी हुई कि यार ऐसा क्या है इस एनिमे ने जिसमें रेटिंग के मामले में इसने इन दोनों सीरीज को अटैक ऑन टाइटन और हंटर एक्स हंटर को पीछे छोड़ दिया। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा टोक्यो रिवेंजर्स एनिमे सीरीज के बारे में। अब तक इसके फिलहाल 20 एपिसोड्स आ चुके हैं और अभी ये रनिंग में है और जितना मैंने इसके बारे में सर्च किया है इसमें टोटल 24 एपिसोड आने वाले हैं। हर एपिसोड की जो लेंथ है वो तकरीबन 23 से 24 मिनट रखी गई है। अगर आप इसका आउट्रो और इंट्रो हटा दो तो 19 मिनट का ही एपिसोड बच जाता है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा वार्निंग दे देता हूं कि भाई इसके अंदर स्पॉइलर हो सकते हैं, क्योंकि यार जो मुझे सबसे ज्यादा एनिमे सीरीज पसंद आती है या मूवी मुझे पसंद आती है एनिमे सीरीज में या एनिमे में, तो उसके बारे में बात के बगैर रहा नहीं जाता है। और जब मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड देखना स्टार्ट किया टोक्यो रिवेंजर का, बाकी के जो इसके 19 एपिसोड हैं वो देखे बगैर रहा नहीं गया। एक टाइम में मैंने काफी सारे लगभग मैंने 10 एपिसोड देख डाले थे, अगले दिन फिर 10 इसके एपिसोड देखे क्योंकि टाइम की कमी थी इसलिए एक साथ नहीं देख पा रहा था। लेकिन एक बार जैसे ही आपने इसको शुरू किया तो आप इसके बाकी के एपिसोड देखे बिना रह ही नहीं पाओगे। तो अब इस एनिमे सीरीज की कहानी, इसके रिप्रेजेंटेशन, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया, इसकी एनिमेशन क्या, इसके बारे में चर्चा हो जाए। तो इस एनिमेशन मतलब इस एनिमे की जो शुरुआत है यानी इसका जो फर्स्ट एपिसोड है वो दिखाया जाता है एक करेक्टर, मेन करेक्टर ताकीमिची, जैसे इसको मेन ना कहें तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा क्योंकि इस एनिमे सीरीज के अंदर जितने भी करेक्टर दिखाए गए उनको मेन ही, वो तो मतलब एक तरीके से वो सारे के सारे मेन है, उनकी अपनी अपनी कहानी दिखाई गई है जिससे हम हर एक करेक्टर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब बात यह है कि ताकीमिची से कहानी दिखाई जा रही है, मेन मैं नहीं कह सकता इसको। और इसके फर्स्ट एपिसोड में जो टाइम पीरियड दिखाया गया वो 2017 दिखाया गया। तो ताकीमिची यहां पर अपने एक तरीके से जो लाइफ जी रहा है वो बहुत आलसी ढंग से जी रहा है और हर किसी से बार बार सॉरी बोलता रहता है। इवन छोटे छोटे बच्चे इसको डरा के चले जाते हैं, उनको उनको भी ये सॉरी बोलता रहता है। अब ऐसा क्यों है, इसके साथ पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई थी, इसके साथ ऐसा बिहेवियर हुआ था जिसके कारण इसका ये जो बिहेवियर है ऐसा बन गया है, पर अब ऐसे इसकी लाइफ चल रही होती है और अपने आप से पूछता भी है यार मैं ऐसे कैसे बन गया हूं। तो अब एक दिन ये जब अपने रूम में बैठा होता है तो न्यूज देख रहा होता है, तो न्यूज में दिखाते हैं कि एक हीना और उसका भाई नाहोतो, इन दोनों की एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। हीना जो होती है वो इसकी एक्स जीएफ होती है, लेकिन इसको इतना कोई फर्क नहीं पड़ता जैसा इसके फर्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है, इसको इतना फर्क नहीं पड़ रहा है कि हाँ इसकी डेथ हो गई, उसके भाई की डेथ हो गई है एक एक्सीडेंट के अंदर, तो ये सब चीजें इसको ऐसे नॉर्मल ही तरीके से लेते हैं। तो एक दिन जब ये काम से वापस घर पे आ रहा होता है तो ट्रेन का वेट कर रहा होता है तो एक कोई पीछे से आकर इसको धक्का दे देता है वहां पर। अब यहां से कहानी की शुरुआत होती है। अब देखो ये सारी चीजें मैंने क्यों बताई, उसका एक रीजन है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को धीरे धीरे एक्सप्लेन कर दूंगा इसी वीडियो के अंदर। खैर मैं कोशिश करूंगा स्पॉयलर ना दूं, तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य और सब्र रखना होगा। जब इसको आगे ट्रेन के आगे धक्का दिया जाता है तो इसकी आंखें खुलती हैं, तो आंखें खुलती हैं भाई साहब पास्ट में ठीक 12 साल पहले, तभी मैंने बोला ना इसमें जो टाइम पीरियड है वो 2017 दिखाया गया, ठीक 12 साल पहले यानी 2005 में इसकी आंखें खुलती हैं। ये पास्ट में चला जाता है। अब पास्ट में ऐसे नहीं चला जाता है कि इसका शरीर पास्ट में चला जाता है, नहीं, इसका जो दिमाग है वो 2005 में जो ताकीमिची हुआ करता था उसके दिमाग में ट्रांसफर हो जाता है। अब यहां पर वो एक तरीके से बच्चे के शरीर में मैच्योर दिमाग आ गया है, ऐसा आप समझ सकते हो। देखो यार कोई इतना पजलिंग नहीं है, आप सोचो कि यार कोई बहुत ज्यादा पजल चीज हम इसको समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। आप इसका फर्स्ट एपिसोड ही देखोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा कि बात क्या हो रही है। और अब ये 12 साल पहले जाता है तो वहां पर ये सब स्कूल में होता है, यहां पर इसको लगता है कि यार अब मैं क्यों ना नहातो और जो हीना है इनको मैं बता दूं कि भाई इनका एक एक्सीडेंट होने वाला है 12 साल पहले, ताकि ये सतर्क हो जाए और इनकी डेथ होने से बच जाए। अब यहां पर जो इनका एक्सीडेंट करवाया होता है वो एक टोक्यो माजी नाम का एक गैंग होता है, उसका दूसरा नाम होता है तोमान। अब इस गैंग का जो लीडर होता है माइकी, इसी ने ये चीजें करवाई होती है। अब यहां पर ये थोड़ी सी और ज्यादा स्टोरी जो वो और ज्यादा इंगेजिंग हो जाती है, मतलब ये जो चीजें धीरे धीरे हमारे सामने आती है ना इस एनिमे सीरीज को और ज्यादा बढ़िया बनाती है। तो ताकीमिची सोचता है कि क्यों ना फ्यूचर बदला जाए, यानी जो इसका प्रेजेंट है 2017 वाला उसको क्यों ना बदल दिया जाए, वहां पर इसको बचा ली जाए, यानी हीना और नहातो इसके दोनों को बचा लिया जाए। लेकिन वो इतना आसान नहीं होता, फ्यूचर बदलना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये चीजें इसको समझ आ जाती है। अब यहां पर एक छोटा सा एरर आप लोगों को लगेगा, खैर जो मैं थोड़े से कोशिश करता हूं उसको एक्सप्लेन करने की, टेंशन ना लो कोई स्पॉइलर नहीं है, सारी चीजें एक तरीके से बताई मैंने इसलिए है आप इससे रिलेट कर पाओ, बेसिक चीजें, कोई भी स्पॉइलर मैंने नहीं दिया है, ये फर्स्ट एपिसोड के अंदर ही चीजें चल रही हैं। अब यहां पर एक छोटा एरर जो मुझे ये लगा कि जो इसको ट्रेन के आगे से बचाता है, इसको जो ट्रेन के आगे धक्का देता है वो तो कोई और है, वो तो आप लोग जब इस सीरीज को देखोगे तब आपको पता चलेगा, वो मैं नहीं बताने वाला। जो इसको ट्रेन के आगे से बचाता है वो होता है नहातो, नहातो वही होता है जो 2017 में इसकी डेथ हो गई होती है ट्रेन से पहले, कूदने से पहले, जब इसने न्यूज में देखी थी ताकीमिची ने। अब यहां पर जब इसको बचाता है तो ये कहता है कि तूने मुझे कभी जो
जो पास्ट में तू गया था, तूने मेरे बताया था कि 12 साल बाद मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, तो मैं बहुत ज्यादा सतर्क हो गया था, मैंने अपने आप को बचा लिया था। अब यहां पर एरर आप लोगों को ये लगेगा यार, जब ये 2017 के अंदर जब पहली बार ट्रेन के आगे कूदा था, ये जो टाइम लूप दिखाया गया है, तब ये वहां पर जिंदा कैसे था? या ये जो चीज है ना, देखो यार, टाइम ट्रेवल की सबसे बड़ी खूबसूरती और सबसे बड़ी कमी यही है कि देखने में मजा बहुत आता है लेकिन पजल बहुत कर देता है। ये जो जितनी भी बात मैंने बोली है, ये चीजें उनको ज्यादा समझ आ रही होंगी जो इस एनिमे सीरीज को देख रहे होंगे या देख चुके होंगे 20 के 20 एपिसोड, और जिनको ये चीज समझ नहीं आ रही है, जब आप ये सीरीज देखोगे तब वापस आके वीडियो देख लेना, तब आपको समझ आ जाएगी कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं। वैसे आ जाना यार वापस, थोड़े बहुत व्यूज और बढ़ जाएंगे अगर आप लोग इसको दोबारा से देखेंगे। वैसे ये सीरीज कोई टाइम ट्रेवल के ऊपर तो है नहीं, तो आप इसको ऐसे मान सकते हो कि हाँ ठीक है भैया, ये हो गया, हमने इसको मान लिया, वो पास्ट में जा सकता है और प्रेजेंट में भी आ सकता है, ये सारी चीजें इसमें दिखाई गई हैं, तो हम इसको थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हैं कि हाँ ये चीजें हैं, ठीक है, टाइम ट्रेवल पे होती तो थोड़ा बहुत हमें कंफ्यूज हो जाती, लेकिन ये टाइम ट्रेवल पे नहीं, इसकी कुछ और ही स्टोरी है। अब ताकेमिची और नाहटो दोनों मिलकर हिना को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पास्ट में जाने की जो पावर होती है वो सिर्फ और सिर्फ ताकेमिची के पास होती है। अब यहां पर ये पास्ट में जाता है, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट में आके कलेक्ट करके वो पास्ट में जाता है ताकि जैसे तैसे वो हिना को बचा पाए। बट मैंने कहा ना, फ्यूचर बदलना इतना आसान नहीं है, उसे कुछ चीजें बदलनी होंगी पास्ट के अंदर, या फिर कुछ जो चीजें हो रही हैं, इंसिडेंट हो रही हैं, उसके अंदर फेर बदल करना होता है। जी ये प्लान बना के जाता है कि हाँ कुछ ऐसी चीजें कर देंगे जिससे जो है वो फ्यूचर चेंज हो जाएगा, जो इसका प्रेजेंट है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन वो होता है ना यार, होने को कौन टाल सकता है। और जब ये पास्ट में जाता है तो और ज्यादा करेक्टर इसके साथ इन्वॉल्व होते चलते हैं। देखो यही जो चीज है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है इस एनिमे सीरीज को, क्योंकि इसके अंदर जैसे वो गैंग दिखाया गया है टोक्यो माजी, अब जिसका दूसरा नाम है तोमान, यहां पर इस गैंग को बनाने वाले कुछ बच्चे होते हैं जो बाद में आने वाले टाइम में 12 साल बाद बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। अब ये 12 साल बाद खतरनाक क्यों है, जैसे मैंने कहा कि इस गैंग का जो लीडर होता है, जो कमांडर होता है, उसका नाम होता है माइकी। अब इतना ज्यादा वो खतरनाक कैसे हुआ, उसे खतरनाक होने से बचाने के लिए ताकेमिची जो सोचते हैं कि यार वो इंसिडेंट ही रोक दिया जाए ताकि जो इतना खतरनाक ना हो, और जो 12 साल बाद जो ये गैंग बनने वाली है, इतनी ज्यादा खतरनाक जो ये लोगों को मारने वाली है, शायद ये ना बने। और ये जो गैंग बनाई होती है वो छोटे छोटे बच्चों ने बनाई होती है, 12-12 साल के बच्चों ने बनाई होती है गैंग, मतलब 12 साल की उम्र में हमें चड्डी बदलने नहीं आती थी, ये गैंग बना के घूम रहे हैं, और ये मतलब इतनी बड़ी प्लानिंग इन्होंने की, इतने साथ बंदों को इन्होंने जोड़ा। देखो ये ओवरऑल जो चीज दिखाई गई ना, जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया वो बहुत जबरदस्त लगा। आप मैंने कहा ना, जब आप इसका फर्स्ट एपिसोड देखोगे आप इसके बाकी के एपिसोड देखे बिना रह ही नहीं पाओगे, जैसे इसको खूबसूरती से रिप्रेजेंट किया गया, मतलब वो भावनाएं मैंने जैसे आप लोगों को बताया ना कि फर्स्ट एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एपिसोड देख लो, बाकी ये एनिमे खुद काम कर देगी कि हाँ भाई तुम रुको यहीं, तुम्हें यहीं बिठा के रखना, अभी खत्म नहीं हुई है चीजें। और जैसे मैंने कहा कि इसमें केवल ताकेमिची का ही करेक्टर मेन नहीं है, इसमें बहुत सारे करेक्टर हैं जिनका अपना अपना एक प्रभाव है। जैसे माइकी, उसकी एक पास्ट लाइफ दिखाई जाती है, वो गैंग बना रहा है, उसका जो बेस्ट फ्रेंड है ड्रैकोन, ये शायद मेरे प्रोनंसिएशन में गलती हो रही है, तो ये दोनों मिलकर अपनी ये गैंग बनाते हैं, मतलब 5 दोस्त होते हैं, ये गैंग बनाते हैं, तो इन दोनों की भी पास्ट लाइफ दिखाई जाती है, इनके बीच में क्या क्या झगड़े हुए, कैसे कैसे दोस्त बने, सारी चीजें इतनी अच्छे से खूबसूरती से हमारे सामने रखी गई है कि हम हर करेक्टर के साथ, हर एक करेक्टर के साथ जुड़ते चले जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा यार, इसमें केवल एक ही मेन करेक्टर नहीं है, बाकी भी है जो करेक्टर वो बहुत ज्यादा मेन है। मुझे ताकेमिची इतना पसंद नहीं है जितना माइकी का करेक्टर मुझे पसंद आया है। अब जैसे मैंने कहा कि ताकेमिची के पास जो पावर है वो पास्ट में प्रेजेंट में दोनों में जा सकता है, लेकिन इसका एक रूल है कि भी अगर वो 3 मार्च 2017 को पास्ट मतलब यहां प्रेजेंट है 2017, अगर वो पास्ट में जाता है वो ठीक 12 साल के टाइम गैप पे जाएगा, यानी 3 मार्च 2005 को वो एक पास्ट में जा पहुंचेगा। अगर 4 मार्च 2017 को वो पास्ट में जाने की कोशिश करेगा तो ठीक 4 मार्च 2005 को ही पास्ट में जा पाएगा, वो 3 मार्च को, यानी उससे एक दिन पहले या दो दिन पहले नहीं जा पाएगा। तो ये एक टाइम चलता है, मतलब 12 साल का ही गैप चलाएगा। अगर एक हफ्ते बाद प्रेजेंट के अंदर वो ये चाहता है कि हाँ पास्ट में जाऊं, तो ठीक उसी मतलब जो तारीख होगी उसी तारीख को वो पास्ट में पहुंचेगा। आई होप सो मैंने आप लोगों की चीज समझाई होगी। टोक्यो रिवेंजर की जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा एंगेजिंग है सच में। अब जब इसका जब मैंने एपिसोड देख रहा था तो एक पल ऐसा आया कि इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी बन गई थी कि मुझे अपने आप पे कंट्रोल नहीं हो रहा था, मैं ये जानना चाह रहा था जल्दी से जल्दी यार इसमें क्या होने वाला है आगे, मैं उसे स्किप भी नहीं कर सकता था क्योंकि यार मैं कोई भी पल मिस नहीं करना चाह रहा था। तो इससे ये चीज समझ आती है कि यार इतनी ज्यादा इंगेजिंग स्टोरी है हमारे साथ, इतना अच्छे से हम कनेक्ट हो जाते हैं इसके, तो यही तो खूबसूरती होती है एक कोई भी जो एनिमे सीरीज है, एनिमे मूवी है, कोई भी लाइव एक्शन मूवी है, लाइव एक्शन सीरीज है, तो उसके अंदर यही तो खूबसूरती है कि जो दर्शक है, जो ऑडियंस है, उसको अपने साथ अच्छे से कनेक्ट कर ले, उनको कहीं
पर भी वो बोर ना होने दे, वो क्वालिटी इस एनिमे सीरीज के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और केवल एक ही जोनर नहीं है, इसमें बहुत सारे जोनर डाले गए हैं, जैसे लव का, इमोशन का, फ्रेंडशिप का, थ्रिलर का, सस्पेंस का, हर एक चीज बड़ी बखूबी से दिखाई गई है। मतलब मुझे देखकर अब समझ में आया कि यार इसने इतनी ज्यादा हाई रेटिंग कैसे पा ली, वास्तव में डिजर्व करती है ये सीरीज। और अब बात करूं उसको रिप्रेजेंट कैसे किया गया। रिप्रेजेंट करने का मतलब है, देखो कहानी काफी बढ़िया है, इसके अंदर करेक्टर धीरे धीरे हमारे सामने आते चलते हैं, उनकी भी एक कहानी हमें दिखाई जाती है, इसमें बहुत सारे करेक्टर आ जाते हैं, केवल एक करेक्टर नहीं, बहुत सारी चीजों के ऊपर फोकस किया गया है, उनकी स्टोरी अच्छे से दिखाई गई है, सस्पेंस क्रिएट किया गया है, लड़ाई हमें दिखाई गई है, लव हमें दिखाया गया, इमोशन हमें दिखाया गया, पास्ट प्रेजेंट का ये चीजें दिखाई गई है, हर एक चीज को बड़े बखूबी से दिखाया गया। इतनी अच्छी सी चीजें हैं, इतनी बढ़िया स्टोरी है, उसको रिप्रेजेंट भी अच्छे ढंग से करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि यार देखो कहानी अगर अच्छी होती है, उसको रिप्रेजेंट करने वाला अगर खराब हो जाता है, तो देखो कहानी जो है वो गुड़गोबर हो जाती है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कहानी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, इसको रिप्रेजेंट भी बहुत बढ़िया तरीके से किया गया है। अब ऐसा नहीं है कि जो कहानी चल रही है उसको एकदम से आगे अगला ही प्लॉट दिखा दिया कि हाँ अब क्या हो गया, इसमें थोड़ा ठहराव है, हमें थोड़ा वक्त दिया गया जिसको चीज को डाइजेस्ट कर ले, और हमारे अंदर वो क्यूरियोसिटी जागृत करने के टाइम दिया गया, भैया तुम्हारे अंदर इच्छा हो जानने की आगे क्या होने वाला है। तो बड़े प्यार से हमें ये चीजें दिखाई गई है। कोई भी एपिसोड आपको बोर नहीं करेगा, कोई भी एपिसोड आपको ऐसा नहीं लगेगा वो फिलर है, उसकी कोई जरूरत नहीं थी, हर एक एपिसोड महत्व है, उसमें स्टोरी अच्छे से डेवलप की गई है, बहुत अच्छा लगेगा। आप जब ये एनिमे सीरीज देख रहे होंगे, आप कहीं पर भी बोर नहीं होने वाले इस पूरी इंटायर सीरीज के अंदर, जो आप 20 एपिसोड जो देखें उसकी बात कर रहा हूं मैं। जो इसके अंदर एनिमेशन दी गई है वो भी बहुत ज्यादा मुझे अच्छी लगी है, एक ओल्ड लुक एनिमेशन इसके अंदर दिखाई गई है, जैसे ड्रेसिंग सेंस, उनका एनिमेशन जो करेक्टर है वो भी बहुत ज्यादा अच्छे लगे। और जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया, ताकिमिची का जो बिहेवियर है बहुत आलसी, हर किसी से माफी मांगना, बिना वजह माफी मांगना, तो वो अपने आप को जब ऑब्जर्व करते हैं कि उसका ये जो बिहेवियर है वो ऐसा क्यों हुआ, उसके पास्ट में ऐसी चीजें हो रही होती हैं, उसको दबाया जाता है, उसको मारा जाता है, अब वो पास्ट में जाता है तो इसको लगता है कि यार मुझे एक और चांस मिला है, तो मैं इस चांस का क्यों ना यूज करूं अपनी आने वाले टाइम को सुधारने के लिए, अपने मतलब कि प्रेजेंट को 2017 को सही करने के लिए। तो यहां पर ये अपनी प्रॉब्लम से लड़ना सीखता है, किसी से चीज से भागता नहीं है, रोना बंद कर देता है, रोना तो चलो इसके बारे में अलग से बात करनी है, लेकिन ये माफी मांगना बंद कर देता है, झुकना बंद कर देता है, ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। ये करेक्टर डेवलपमेंट आप देखोगे ना तो हर एक में आपको करेक्टर डेवलपमेंट मिलेगा। तो ओवरऑल बताऊं तो इस एनिमे सीरीज के 20 एपिसोड में आपको स्टोरी बहुत बढ़िया मिलने वाली, इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से किया गया, बहुत सारे जोनर आपको देखने को मिलेंगे, करेक्टर डेवलपमेंट बहुत बढ़िया, क्या मैंने दोबारा से बोल दिया, नहीं, करेक्टर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा अच्छे से किया गया है। मतलब इतनी चीजें हैं इसके अंदर, आप जब इसमें देखोगे, पॉलिटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व है, सस्पेंस है, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब बस देखो यार जाके। अब इतनी चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें तो बुरी होंगी ऑब्वियसली, इसके अंदर चीजें जो बुरी हैं, जो मुझे बुरी लगी, जो मुझे एक चीज जो बुरी लगी, शायद आप लोगों को बुरी नहीं लगी, या फिर जो मैं चीज कहने वाला हूं शायद उससे थोड़ा बहुत आप रिलेट कर पाए। मुझे जो इसमें पसंद नहीं आया वो ताकिमिची का करेक्टर ही पसंद नहीं आया। स्टार्टिंग में जैसे इसको दिखाया जाता है, बहुत ज्यादा डंब होता है, बहुत ज्यादा रोंदू होता है, रोता ही रहता है, डंब, तो मतलब यार मतलब हैरान हूं मैं इस बंदे, इस करेक्टर से, कि इसको पता होता है कि पास्ट में मतलब क्या होने वाला, पास्ट में जब जाता है इसको पता है कि भैया आने वाले टाइम में क्या होगा, क्योंकि फ्यूचर से ये आया होता है, बावजूद इसके ये कुछ नहीं कर रहा है यार, खड़े खड़े चीजें देख रहा है कि हाँ ये चीज कैसे होगी, बगलों की तरह इधर उधर भाग रहा है। दूसरी ये चीज, हर टाइम बस इसका रोना, स्टार्टिंग में तो चलो समझ में आता है कि रो क्यों रहा है, लेकिन हर टाइम शुरू से लेकर आखिर तक ये रोता रहता है, वो इतना ज्यादा इरिटेट करता है। देखो ठीक है रोने वाला तो इसका बिहेवियर हो सकता है कि हर चीज में इसको रोना आ जाता है, लेकिन यार जैसे इसके साथ हो रहा है, जो चीजें ये सहन कर रहा है, जो चीजें ये देख रहा है, तो मुझे लगता है कि यार इसको थोड़ा बहुत भी अपने बिहेवियर में चेंज करना चाहिए था। हाँ डरना कम कर देता है, लेकिन ये रोना बंद नहीं करता। दूसरी चीज, जिस तरीके से इसको डंबनेस इसकी दिखाई गई, यार तुम पागल हो गया यार, तुम्हें पता है कि क्या होने वाला है, तो उसको जाके बचा क्यों नहीं रहे, लेकिन वो चीजें भी नहीं कर रहा है। खैर ये छोटी मोटी चीजें आप इसको कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो कि कोई बात नहीं यार, हम ये चीजें थोड़ी सी सह लेंगे, अरे जैसे मैंने सही है। बाकी मुझे, मैंने काफी इंजॉय किया है, मैं इस पूरी इंटायर जब तक 20 एपिसोड है, अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो मेरी तरफ से 9.5 मैं इसको दूंगा, 5 मैं इसी की वजह से काटना चाहूंगा, ये जो ताकिमिची का बिहेवियर जैसा रहा है, ये रोंदू रहा है, ये मुझे पसंद नहीं आया। ये पसंद ना आने का रीजन बड़ा साफ सा है यार, स्टार्टिंग का तो हम समझ सकते हैं कि हाँ ये बंदा रो रहा है इस कारण है, डंब है इस कारण भी है, लेकिन बाद में यार इतनी चीजें हो रही हैं, इतना तो बिहेवियर उसके अंदर चेंज होना चाहिए था, तो ये वाली चीज मुझे पसंद नहीं आई। और जिस मोड पे इसका 20th एपिसोड खत्म किया जाता है, तो उसको ऐसे लगता है कि यार नहीं, अभी इसके जो एपिसोड, अभी जो 4 एपिसोड और आने बाकी हैं, मुझे नहीं लगता कि उन 4 एपिसोड में इसकी स्टोरी खत्म कर दी जाएगी।
आई थिंक इसका एक और सीजन आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके के जो अभी प्रॉब्लम चल रही है पॉलिटिक्स, दो दो गैंग इसके अंदर दिखाई गई है, जो टोक्यो माजी है जिसका दूसरा नाम है टोमैन, उसके वर्सेस एक और जो दूसरी गैंग आई है वेला गैंग आई हुई है। अब ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे को बस मारना चाहते हैं। अब ताकेमिची यहां पर अपने प्रेजेंट को बदलना चाहता है, कुछ लोगों को बचाना चाहता है, वो बचाए कैसे क्योंकि वो बीचों बीच फाइट के बीच में खड़ा है। अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, पागल तो है ही, अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि जाएं कहां, क्या करें, किसको क्या कहना है, किसको कैसे बचाना है, तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये चीजें देखकर लग रहा है कि इसको टाइम लगेगा, लेकिन ये चीजें जो है वो चार एपिसोड में तो बिल्कुल भी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि इसका आउटर इंटर मैंने कहा ना अगर हटाएं तो 19 मिनट बच जाते हैं, 19 मिनट के चार एपिसोड में ये सारी चीजें सॉल्व होने से रही। तो ओवरऑल ये एनिमे सीरीज काफी ज्यादा बढ़िया है। हाँ, डिजर्व करता है ये एनिमे सीरीज इतनी ज्यादा हाई रेटिंग पाने के लिए, क्योंकि यार इसमें वाकई में स्टोरी पर बहुत फोकस किया गया है, करेक्टर बहुत ज्यादा अच्छे हैं। बार बार मैं चीजें बोल रहा हूं, मैं ऑलरेडी आप लोगों को इतना टाइम ले चुका हूं इस वीडियो के अंदर, बट क्या करें यार, बात करने को बहुत कुछ है इसमें, बहुत चीजें रह गई हैं जिसके अंदर बात करनी है, जैसे वो गैंग हो गई, उनके अंदर आपस में पॉलिटिक्स चल रही है, कौन किसका चालबाजी कर रहा है, ये सारी चीजें रह गई हैं। बट क्या ही ना, धीरे धीरे जब एपिसोड आएंगे उनके बारे में धीरे धीरे बात करते रहेंगे, और एक अलग से एक वीडियो बना देंगे जब ये पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी, यानी इसका सीजन वन खत्म हो जाएगा, वहां अलग से बारे में बात कर लेंगे। तो अगर आप लोगों ने ये सीरीज देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी, और जिन्होंने नहीं देखी तो आप एक वास्तव में बहुत बढ़िया चीज मिस कर रहे हो, जाकर इसको देखो, और ये डिजर्व करती है इसको। आप में ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि हाँ इसमें कुछ ना पसंद करने वाला, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक करेक्टर को छोड़कर, शायद वो आप लोगों को पसंद आ सकता है, आपका अपना एक पर्सनल व्यू हो सकता है। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।